प्रेज द लॉर्ड। ये साक्षी इस बहन की है। ये कहते हैं कि पिछले शनिवार के दिन जब ये कलीसिया आ रही थी तो ये कहते हैं कि सुबह से इनकी थोड़ी हालत ख़राब थी, तो इन्होंने कहा नहीं आज शनिवार है, मैं चर्च जाऊंगी और मैं जानती हूँ कि मेरा परमेश्वर मेरा आरोग्यदाता है, आमीन। तो ये कहते हैं कि जब ये घर से निकले तो नीचे रास्ते में जहाँ ज्योति के सामने, ये कहते हैं कि इन्हें थोड़ा चक्कर जैसे आने लगा, तो इन्होंने इनका बेटा जो था उनके साथ उससे कहा कि मुझे चक्कर आ रहा है, मैं कुछ खाना चाहती हूँ। तो ये कहते हैं कि ये वहाँ रास्ते में रुक गए कुछ कारणवश कुछ खाने के लिए, तो अचानक ही ये बहन कहती मेरे आँखों के सामने इतना अंधेरा आ गया। ये कहती कि मैं बहुत ज़ोर से वहीं बीच रास्ते में गिर गई। तो ये कहती काफ़ी सारे लोग आए, इन्हें उठाया और इस बहन को बहुत ज़ोर से लग गया था और इनका पूरा हाथ सूज गया था। ये कहती कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पैर भी सूज गए थे। तो ये कहती कि बहुत मेरी हालत ख़राब थी, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाओ, पर ये कहती है कि नहीं, मैंने मेरे बेटे को कहा कि कलीसिया जाना है, चर्च जाने के लिए देरी हो रही है, मुझे चर्च जाना है, मैं जब वहाँ जाऊँगी मैं जानती हूँ मेरा प्रभु यीशु मेरा आरोग्यदाता है, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी, आमीन। तो ये कहते हैं कि वैसे ही हालत में वो यहाँ पर आई थी, पिछले शनिवार को चर्च में आई थी, वो यहाँ बैठी थी। ये कहते हैं मैंने पूरा वचन सुना, परमेश्वर ने वचन के द्वारा मुझसे बात किया, और ये कहते हैं कि जैसे जैसे मैं वचन सुन रही थी मेरा विश्वास और बढ़ रहा था। और जब आखिर में पास्टर सबके लिए प्रार्थना करते हैं, पास्टर ने कहा जिसको भी कहीं दर्द है या तकलीफ है अपना हाथ वहाँ रखो। तो ये बहन कहती है मैं भी आगे आई और मैंने विश्वास से अपना हाथ अपने शरीर पर रखा और परमेश्वर ये कहती है कि इतना महान है। ये कहते हैं कि ये घर जाने तक जो भी उनके शरीर का सूजन था वो पूरा उतर गया था। इन्होंने कोई पेन किलर नहीं लिया, कोई दवाई नहीं ली, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। ये कहती आज एक हफ्ता हुआ है मुझे कोई तकलीफ नहीं है, परमेश्वर ने मुझे पूरी रीति से आरोग्य दिया, चंगाई दिया, ठीक किया, इसलिए सारा गौरव महिमा प्रभु यीशु को देंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस।